अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खुश होंगे इंशाल्लाह। अज मुझे टॉपिक आए नाइन क्लास जो साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री मतलब साइंस से केमिस्ट्री में साइंसी तरीको कार हाँ उन समझने का पे साइंसी तरीके के समझने का पे असा के यह खबर होजन घुर्ज त असा साइंसी तरीके के बारे में पढ़ू छोता छोत मुख्तलिफ़ शूं जो इन में लेबोरेटरी में तैयार कई वेंद्यू आन या उन बारे में उन्होंने पढ़ो वो उन बाद में सैंपल तौर फैक्ट्रीन के या इंडस्ट्रीन के कारखानों के दिनों वो भाई तुम सैंपल आया हाँ तक कंपाउंड प्रोडक्ट ठा सोता इन ये सैंपल ये तैयार ना इन कुछ प्रोसेस आज उ बुझाइंदम तो साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री क्या थी थे केमिस्ट्री में सो उन में सब का पे ऑब्जर्वेशन थी हाँ ऑब्जर्वेशन मतलब मुशाहिदो सभी जो मुशाहिदे करण वो तरीको सेम न हों सभी जहाँ दिमाग सेम ना सोच की सोचने की सलाहियत सभी की एक जड़ी ना हर एक शयन के जो वो पैं हिसाब से ऐसा पैं हिसाब से बाबा मतलब मन कें भी कें शह के दिठो तो वो उन बारे में सागो नो सोचे सके छो तो सभी की सोच एक जड़ी ना सो जैसे का शे अड़ी शे जैसे मू बार बार मुशाहिदे करण का बाद में उनके का नई शे में मिले थी तो वो सागे मैदान में मतलब जैसे केमिस्ट्री कीमियाई मतलब केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के हिसाब से कई शे उन हासिल कई उनमें उनके समझ में आया बाबा इनमें का शे नई आए तो वो सागे मैदान में खड़ी साइंसदान मतलब केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री के बारे में जो जान रखा हूँ उन्होंने अगर आणी तो माँ ये शे नई लधी है इन में मुख्य लगे तो ये नई शे है माँ बार बार इन बारे में मुशाहिदो किया है सो तो वो क्या मफरूजो हाइपोथेसिस सेकंड प्रोसेस है मफरूजो मतलब वे पैंजा फर्ज मतलब माना पैं सलाहूँ दींदा उनके छो तो न मुशाहिदे करण जो मकसद आए तो माना इन जरूर का नई शे लधी है जैसे करो अस खी आयो है उन बार में बुधा सकता इन में ये थोड़ी जैसे अना इनके थोड़ी जाँच कजें तो अना इन का शे नई मिली आने तरीके से तुम तो अना थोड़ी बी का शे मिली सके बी का मालूम मिली सके थी अड़े हिसाब से वरी उन बाद में मफरूजो जैसे बार बार मफरूजो सागो ही रहे मानों जो सागी गाल मतलब सागी नई शे सागी रहे तो असा नजरियो नजरिए में मतलब उन बारे में वो तजुर्बा क्या वा तजुर्बा कर रिजल्ट जैसे सागो बीहे तो सागो बीहे तो वो नजरियो भी साबित थे तो कैलकुलेशन के हिसाब से मतलब हिसाब किताब करण का बाद में तजुर्बन कर बाद में रिजल्ट सेम तो बीहे तो उनके चवंदा साइंसी कायदो मतलब साइंटिफिक लॉ साइंसी कायदो हाँ इन जो यो मकसद ना तो साबित थो तो यो चेंज न थे तब्दील न थे कुछ अड़ा नजरिया भी आज जो तब्दील थी सकिया या अगत साबित नी सकिया कुछ साबित भी थी सकिया पर इन जो साबित नी सकने जो मकसद आए तो माना एक वो नंबर एवोगेड्रो नंबर एवोगेड्रो साइंटिस्ट हो जैसे नंबर दी बाबा इन जो मकसद यो है तो बाबा जो मालिक्यूल्स हैं उनमें जो मालिक्यूल है उनमें एतरा मालिक्यूल आज 6.02 × 10²³ है या एलिमेंट है इनमें एतरा एटम्स आज 6.02 × 10²³ पर इन की कई प्रूवेशन ना प्रूवेशन मतलब इन वेरिफिकेशन ना साबिती ना कई भी साबिती ना सो साइंटिफिक लॉ जो मकसद है साइंसी कायदे तेस तीन पुछ तभी पुछ सकता जैसे मुशाहिदो सही साबित थे वरी उन बाद में मफरूजो इन मरहले में गुजरे वरी मरहले में गुजरी कर नजरियो नजरियो भी जैसे तजुर्बन के आधार से सही साबित थे तो साइंसी कायदो जैसे कई शूं साबित नी थन मतलब जो उन रिजल्ट सही साबित ना थन रिजल्ट सही नो अचे तजुर्बन करण के बावजूद भी उन्होंने जी रीडिंग आ सही माना में नी बीहे तो उन जया न कबो आया न कह साइंसी दुनिया में उन्दा उनके रिकॉर्ड तौर रखी छा सके तो अगत हली ये शूं कें नये शयन से रिलेटेड थियन उन वास्तो रखन उन रिकॉर्ड तो रखी छा जी अस कोई फायदो पी सके तो सो इन मुख्य मिसाल याद तो अचे जी कौमू पैं माजी से वाबस्ता होंद कदें भी खता न खाईन उ कामयाबी तरफ ही वेंदियों सो इनशाला तक समझ में अची वो सो अल्लाह हाफिज़।